प्रिय साथियों, विरासत संरक्षण और परिचय की श्रृंखला में आज मैं श्री माधव प्रसाद जी शर्मा, प्रसाद मतलब माधव शर्मा ही नाम से, माधव जी शर्मा जो कि रतनगर निवासी है और आपके दादाजी रामजस राय जी बैद एक बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात चिकित्सक थे रतनगर के, और आपकी इस समय करीब 85 वर्ष की आयु आपकी चल रही है, और रतनगर की स्थापना और स्थापना से पूर्व की भी काफी ऐतिहासिक बातें आपके ध्यान में हैं, तो मैं इन्हीं बात से शुरुआत करूंगा। और रतनगर की स्थापना उससे पहले की जो भी स्थिति आपको ज्ञात हो उसका परिचय देते हुए आप प्रारंभ करें। प्रिय बंधुओं, ये विषय बहुत रुचिकर है और बहुत ज्ञानवर्धक है। मैं रतनगर के बारे में बताने से पहले पूर्व आपको ले चलूंगा, ये जो सीकर, झुंझुनू, चूरू तीन जिले हैं, जो चूरू जिले की तो 1000 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक से भी पहले की बात है। अच्छा। और ये रतनगर की बसावट करीब 300-350 वर्ष की एक घटना से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 7 बाटियां है इस क्षेत्र में। अच्छा। रतनगर, चूरू और ये चूरू का आधा इलाका हिसार, सरसा, हनुमानगढ़, लुवारू और ये सारा इलाका जो है ये गोगावाटी नाम से है। अच्छा। जिसको अब जबरदस्ती शेखावाटी कहना शुरू कर दिया। ठीक है। ये एकदम तथ्यों में विपरीत है। ये गोगा जी 11वीं शताब्दी में हुए थे, मोहम्मद गजनवी से लड़ाई करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए थे। अच्छा। वो हिंदुस्तान के पहले सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और पहला जोहर कहीं हुआ, हम उल्लेख करते हैं चित्तौड़ का। चित्तौड़ का जोहर हुआ सही है, लेकिन पहला जोहर सामूहिक रूप से जो आज के चूरू जिले के उस वक्त के ददरेवा गांव में हुआ था, ददरेवा जहाँ गोगा जी का राज्य था और उन्होंने गजनवी से मुकाबला किया था। ठीक है। ये इसमें इतिहास में विस्तृत विवेचन। उसके बाद थी तमरावाटी, जो जहाँ से रतनगर की कहानी शुरू होती है। हाँ। वो तमरावाटी से। अच्छा। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट अनंगपाल तोमर नाम से था, वो नेमका थाना क्षेत्र से बिलोंग करता था। उसके एक लड़की थी, उस लड़की का लड़का था पृथ्वीराज, जो सांबर का राजा था। ठीक है। तो उसको गोद ले लिया था और मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज का मुकाबला हुआ था। 17 बार पराजित किया था, 18वीं बार पराजित हो गया और मोहम्मद गोरी ने उसे मार डाला था। तो रतनगर गांव का भी उसी तमरावाटी से संबंध है। अच्छा। तमरावाटी के बाद आता है गोड़ावाटी, जो अलवर के निकट का क्षेत्र है, झुंझुनू जिले का। और गोगावाटी के बाद उसी क्षेत्र में आधा सीकर का आधा झुंझुनू का उदयपुर वाटी। और ये जो मंडावा, झुंझुनू, फतेहपुर, रामगढ़, ये शेखावाटी। ठीक है। और बिदासर वगैरह है बिदावाटी। और सुजानगढ़, लाडनू, ये है मोहिल वाटी। ये 7 वाटियां थी। अच्छा। इसमें ऐतिहासिकता सबसे पुरानी वाटी उधर गोगा वाटी थी, जिसमें हम लोग रहते आए हैं। पिछले 1000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। अच्छा। तो उस तवरावाटी में नवलगढ़ के पास आगे खंडेड़ा के पहाड़ की तराई में गांव है परशुरामपुरा। अच्छा समृद्धि गांव था आज के करीब 500 साल पहले, आज भी समृद्धि गांव है। तो वहां का ठाकर का, नवलगढ़ के ठाकर से वहां के सेठ का, जो ठाकर के लिए कर वसूली करता था, झगड़ा हो गया। उस झगड़े में सेठ वहां से चला, पूरा
इलाका छोड़ के जाते हैं तो वो सेठ वही पास में ही केड केडिया से केड के रहने वाले से बोल रहे तो वो चले नवलगढ़ तक आए तो ठाकर ने माफी मांगी कि वापस लौट चलो, लेकिन उन्होंने कहा एक बार छोड़ दिया हाथ में पानी लेके संकल्प किया। उसके साथ ब्राह्मण सुनार खाती माली विभिन्न जातियों के लोग जो सेठ से जुड़े थे वो भी चले और वहाँ का वो इलाका छोड़ के झुंझुनू के आसपास आके बस गए। ठीक है, तो वो सेठ आके बस गया अलसी सर से उसकी शाखा झुंझुनू वगैरह। वो सेठ फिर आ गया बिसाऊ और 200-300 वर्ष बाद बिसाऊ के ठाकर से बिसाऊ के केडिया जी का झगड़ा। अच्छा, उस वक्त भाजपा प्रदेश निकाला देते थे या काठ में जड़ देते, एक तरह की बेड़ियां होती थी काठ की, बड़े बड़े शैतिरों में पांव दे दिया और कस दिया, रस्सियों से बांध दिया तो काठ में जड़ देते थे। तो बीकानेर के राजा से सेठ ने कहा कि मैं तेरे बिसाऊ छोड़ूंगा, तो बीकानेर के राजा ने कहा बिसाऊ के पास तुम जगह पसंद कर लो मेरे राज्य में। तो उसने छेलासर के पास का ये जहाँ रतनगर चार दीवारी यहाँ बड़े टीले नहीं थे, अच्छा जंगल भी नहीं था, ये धान लगाए पहाड़ भाठे का एरिया था। अच्छा अच्छा, और जोड़ था जोड़ थे, तो उसने पसंद किया और इसे बसा लिया। उसके साथ साथ खुद हमारा परिवार भी परशुरामपुरा से चल के लालपुर अरसेसर होते हुए जब सेठ ने बसाया तो सेठ से उस वक्त साथ जो आए थे अच्छा जुड़े हुए जुड़े थे वो भी रतनगर आ गए। ठीक है, कुछ परिवार बाहर रह गए कुछ यहाँ गए। इस तरह से मेरे दादाजी रामनिश राय जी आ गए जो बनारस पढ़ते थे पहले और आज के 125-150 साल पहले बनारस आना जाना विदेश जाने से कम नहीं था, पैदल आना था। बनारस के विद्वान थे, बहुत बड़े वैद्य थे, कई वर्षों तक रंगून में वैद्य रहे, फिर गोरखपुर में वैद्य रहे। गोरखपुर में उनको राजा कहते थे, रोगियों को दिखाने के लिए हाथी भेज करके अच्छा बुलाया जाता। फिर केडिया जी ने कहा कि भी यहाँ जाओ, तब जालाड़ों को रामगढ़ वाले रास्ते में जो धर्मशाला है वहाँ उनका औषधालय था। अच्छा, और औषधालय के पास विद्याधर जी शास्त्री के पास बीजन मान का जो मंदिर है उसके सामने एक पुरानी हवेली थी सेठों ने बनाई हुई, तो उस हवेली में दादाजी का परिवार रहा। अच्छा, उसके बाद आज जो पुरुषोत्तम जी महर्षि का मकान है उसके ही मकान था, फिर आज जो वर्तमान मकान यहाँ। दादाजी महाराजा गंगा सिंह जी के निजी वैद्य थे, उनकी चिकित्सा करते थे, ऊँटों से जाना आना होता था, पहले ऊँटों का ही रास्ता था, सारे गांवों में पिलाड़ी तक जाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि आधा रोग तो उनकी बात से ही खत्म हो जाता था कि रामदेसी की गोली से ठीक हो गया। ठीक हो गया, वो जो मरीज उनको मरता हुआ दिखता है उसको कहता है थोड़ी देर में तो 4 रुपये रोटी खाएगा और मेरे साथ पैदल चलेगा, तो उसके जीने की इच्छा मनोबल दुगना हो जाता, उसके बल पर वो आधा ठीका जोड़ता, आधा दवा खुद बढ़ाते थे बाजार के दवा नहीं, और रस बसम के वो उस वक्त राजपुताना में नामी वैद्यों में गिने जाते थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई, पिताजी और चाचा जी, पिताजी महावीर प्रसाद जी शास्त्री अरविंदाचार्य थे, लेकिन शास्त्री होने से रतनगर मिडिल स्कूल में हाई स्कूल नहीं मिली थी, टीचर हो गए। चाचा जी श्रीधर जी भी वहाँ टीचर थे, दोनों वर्षों तक रहे, फिर में दोनों का ट्रांसफर हो गया, इस तरह से गांव छूट गया। हम तो चोरुआ गए, चाचा जी सुधार श्रीधर जी अपने जमाने के वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, सत्यनारायण तंवर श्रीधर जी, हरिप्रसाद जी मिश्र वगैरह, और रामगढ़ बिसाऊ चोरू रतनगढ़ मैच खेलने जाते थे, या जाते थे तो रतनगढ़ के 100-100 आदमी
ही पैदल रामगढ़ से जाते थे। अच्छा। और पैदल ही आते थे, जीत के आते थे, वहाँ कई बार लड़ाई हो जाती थी। रत्नगर में बड़ा उत्साह था, कालांतर में रत्नगर बालीवाल और फुटबॉल में हिंदुस्तान के नामी खिलाड़ी देने वाला स्थान बना। उसके बाद बसने के बाद चार दीवारी बनाने के बाद जब रेल निकली तो ये रेल सबसे पहले बीकानेर से इसार थी, इसार से फिर दूसरे रास्ते से रेवाड़ी से जुड़ी, सादुरपुर रेवाड़ी का टुकड़ा बाद में बना, उसमें चुरू के सेठों का या रत्नगर के सेठों का पैसा लगा था। बीकानेर राज्य बहुत गरीब था, खाने को पैसा नहीं था, आबादी भी नहीं थी, चुरू समृद्ध था, बड़ा था, बीकानेर से पहले का था। अच्छा। तो उस वक्त की बात बताता हूँ मैं कि आज जो चुरू का रेलवे जंक्शन है वो देपाल सर के रेलवे स्टेशन से आधा भी नहीं था। अच्छा। चौथा था, यहाँ रोजाना 5-4 मुश्किल से मुसाफिर आते थे, जबकि रत्नगर होते हुए रामगढ़ फतेहपुर आसपास के गांवों के लोग लक्ष्मणगढ़ ये सब यहाँ के यात्री दीपासर स्टेशन से बीकानेर के लिए या रेवाड़ी लोहारू के लिए ट्रेन पकड़ा करते थे। अच्छा अच्छा। और जयपुर के लिए ये ट्रेन है इसकी तो अलग कहानी है, क्योंकि उसमें रेल लाइन डालने के लिए चूरबी से और फतेहपुर डालने के लिए तो जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष में मैं भी जीत गया था। अच्छा। हमने लड़ाई लड़ी थी और उसमें ज्यादातर बिसाऊ के जटियों का पैसा लगा। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा, पते बटू। और उसमें शर्त यह रखी गई थी कि इसका खर्चा गवर्नमेंट जो है 20 वर्ष तक डेढ़ा किराया। अच्छा। पते पलटू चुरू वसूल करेंगे। वो टाइम बीत गया तो उसके बाद भी संघर्ष हुआ, फतेहपुर स्टेशन पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें भी मैं था, एक रात जेल में भी रहना पड़ा। तो ये सारा इधर के जो धानदाता सेठ से सारा विकास चाहे गांव में हुआ हो, शहरों में हुआ हो, रेलवे में हुआ हो, समृद्ध सेठों की देन है बीकानेर स्टेट का या जयपुर स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी योगदान नहीं इस पुराने विकास में। ठीक। तो मैं कह रहा था कि दीपाल सर स्टेशन पर माल गोदाम था बहुत बड़ा और पहली बस चुरू के लिए कोई बस नहीं थी, रामगढ़ टू दीपाल सर, फतेहपुर टू रामगढ़ और रामगढ़ टू दीपाल सर वाया रत्नगर होके चली थी। अच्छा। छोटी यहाँ के लिए कोई बस नहीं थी, कोई चुरू आता भी था या तो सामान सब जो रत्नगर वाले रामगढ़ से जाते थे पैदल जाते थे तो पैदल लेके आते थे। ठीक है। तो सामान सारा रामगढ़ से होता था, चुरू आते नहीं थे, आता था कोई कभी कभार तो पैदल आता था। हम लोग भी, मैं भी बच्चा था तो स्कूल की छुट्टियों के बाद जब स्कूलें खुलती थी पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए बच्चों की टोलियां 5-5, 4-4 मिलके हम पैदल ही चोरू आते थे और यहाँ से ही किताबें लेकर जाते थे। ठीक है। कई वर्षों तक पिताजी भी रत्नगर से रोजाना चोरू पैदल पढ़ाने आते थे, यहाँ ट्रांसफर हो गया था रहते रत्नगर से और वापिस पैदल ही शाम को वापिस पैदल जाते। तो मुख्य स्टेशन दीपाल सर था और बहुत सवारियां बसों का आना जाना, इसीलिए दीपाल सर में शिवपुरा में जो बालाजी का हनुमान जी का मंदिर है उन यात्रियों के लिए और वहीं बीकानेर के मासूरी सेठों ने दीपाल सर के बाहर धर्मशाला बनाई जो आज भी वो दुकान में रोड में बदल गई। हाँ, बदल गई, बदल गई स्थिति। तो चुंगी नाका भी का थाना था दीपाल सर स्टेशन के बाद और जाबरमल जी नरेड़ा जो वो थे पहले थानेदार थे वहाँ। अच्छा। पहले हम लोग जाते थे तो वहीं थोड़ी देर गाड़ी का इंतजार करते थे क्योंकि हमारा राजगढ़ या बीकानेर आना जाना बहुत था। तो गाड़ी हम चुरू से कोई नहीं आता था, चुरू से कोई रामगढ़ का रत्नगर का साधन लक्ष्मणगढ़ का सब गाड़ी दीपाल सर। और दूसरा बड़ा स्टेशन था आसलू। आसलू। अच्छा। ये इधर शेखावाटी के इलाके आसलू और आसलू के बाद वो दुधवाखारा और दुधवाखारा के बाद हडियाल। हाँ। ये समय थे स्टेशन थी और इसके बाद रत्नगर की तरफ मौलीसर जो है वो भी बड़ी थी,
चूरू बहुत छोटा सा छोटा स्टेशन था और यहाँ क्या है कि जब वो बुला मुसाफिर खाने बनाने के लिए तोड़ा राम कोठारी ने एक 20-30 आदमी खड़ा हो जाए इतना बड़ा सा एक बरामदा नुमा स्थान बना दिया और वो स्थान बन गया तो उसमें एक टीट की खिड़की लगा दी वहाँ कभी कभार कोई आते थे और बाजार से चूरू स्टेशन बीच में टीले ही टीले थे चूरू का रामगढ़ दरवाजा था स्टेशन तक एक भी मकान नहीं था। अच्छा ये स्थिति थी टोटल खाली था नहीं लोया कॉलेज थी नहीं ये रेस्ट हाउस था नहीं कलेक्ट्रेट थी। सन 50 तक सुजानगढ़ बीकानेर राज्य का जिला हेडक्वार्टर सुजानगढ़ था। पचास में बना था 50 के बाद रतनगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया सामान ट्रेन में लिख दिया क्योंकि उस वक्त से बसें जीप कारें सड़कें कुछ थी नहीं होती नहीं तो हम लोगों ने रेल के आगे धरना देकर इस जिले को चूरू को बचाया सामान वापिस उतराया उसके फिर मुगल में चले हाईकोर्ट तक लड़े जीत के आए चूरू वापिस बढ़ा। तो ये संघर्षों की लंबी कहानी है। जैसे चूरू फतेहपुर नहीं थी रेल तो पहले तो वो जो हुआ सर्वे वाया रतन नगर रामगढ़ हुआ। अच्छा लेकिन उस रेल लाइन के लिए पैसा देने वाला रतनगढ़ रामगढ़ के बीच में कोई नहीं था। कोई नहीं था उधर बिसाऊ वाले इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने पैसा दिया जिटिया जी ने दिया उसके कारण से कुछ पैसा रुईया ने दिया रामगढ़ के पौधा रोन दिया उसके कारण से नहीं तो जयपुर फतेहपुर तक रेलवे लाइन थी। अच्छा अच्छा और जयपुर जाते थे तो इधर से बैठ करके लुहारू जाते थे और लुहारू झुंझुनू सीकर रेल लाइन थी तो उस रूट से मैं भी बहुत उसी रास्ते से आया गया हूँ थी नहीं तो ये इसके पीछे एक लंबी कहानी है। लेकिन चूंकि चूरू का पानी रतनगर का पानी खारा था चूरू का भी खारा है इसलिए उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ रोजगार का व्यवहार फिर भी यहाँ जीवट वाले और तानी मानी विद्वान यानी तो मैं विद्वानों को याद करता हूँ तो परशुराम जी का श्रीराम जी के पिताजी रामलाल जी चौटिया बिल्कुल बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। एक इधर रामलाल जी चुलेट थे जो उत्तरी हिस्से में इनका मकान था और सोनों के इधर रामलाल जी चुलेट के लड़के हरि प्रसाद जी जिला आयुर्वेद अधिकारी रहे फिर हरि प्रसाद जी का लड़का भी आयुर्वेद अधिकारी अब रामलाल जी के पड़पोत्र वगैरह है वो गंगानगर बस गए। ठीक है इस तरह से आयुर्वेद की दिशा में राधेश चंद्र जी वैद्य और ओंकार जी मिश्र जीवन राम जी मिश्र माली राम जी धरड़ मेरे पिताजी महावीर प्रसाद जी जिन्होंने रिटायर होने के बाद केडियो के औषधालय में बहुत वर्षों तक सेवाएं दी थी कुछ दिन गांव भी रहे थे इसी कारण से वहाँ रहते थे संभालते थे। उसके बाद माली राम जी ने संभाल लिया अब तो वो औषधालय बंद हो गया। हाँ बंद है तो। इसी तरह से रतनगर का जो नवजीवन पुस्तकालय बना उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष अकेले कोई बढ़िया थे नाम भूल गया मैं उन्होंने आजीवन सेवा की और जिस तरह से अपने कोई बच्चे को नहीं पालता है उस प्यार से इस पुस्तकालय की सेवा की। उनका परिवार नहीं था शादी नहीं हुई थी औलाद नहीं हुई थी लेकिन उनकी तपस्या के कारण से नवजीवन पुस्तकालय को वरदान मिला। इसी तरह से एक हाथियों वाला नोरा है वहाँ हमेशा रामलीला और नाटकों का मंचन होता था बाजार के बीच में नथू राम बेसवाड़ा की दुकान के सामने रामलीला सस्ती थी। रामलीला की पार्टियां उस वक्त ब्रज से आया करती थी वृंदावन से आती थी मिथिलावन से आती थी और बैरजी पंवार के वहाँ पान की दुकान हुआ करती थी जिस पर अड्डा लगा करता था और बैरजी पंवार की दुकान और इधर ये हनुमान जी का मंदिर जो है इसके बीच में मुंगेरा जी पचलिंगिया की पाठशाला थी। अच्छा तो ज्यादातर गांव के बच्चों को मुंगेरा जी ने पढ़ाया बाद में वो टीबड़े वालों की हवेली में भी स्कूल चली। शुरू में मैंने आरंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की थी हम फुटबॉल वॉलीबॉल डेली खेलते थे। खेमजी तंवर ने बहुत
राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के मैच कराए या बहुत बड़े टूर्नामेंट हुए। इन वर्षों में इन सारी बातों में रुचि खत्म हो गई। इसी तरह से टिकू राम जी बिल कहानियों में और उनके भाई हरि प्रसाद जी संगीत में बहुत अच्छे कलाकारों में माने जाते हैं। और टिकू राम जी के यहाँ तो 500 बड़े बच्चे सब मिला के रोज रात को 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे और वो कहानियां सुनाते थे और अपने जेब में एक पक्षी की आवाज निकालते थे, चिड़िया की आवाज। तो ऐसे ऐसे कलाकार भी हुए रत्नगर में। और स्वर्णकारों में एक सावनमल जी सोनी हुआ करते थे, मेरे से तो बहुत बड़े थे लेकिन मेरी उनकी पर्ची अच्छी थी। वो वैसे आरंभिक में उस क्षेत्र में कांग्रेस के असली और सबसे बड़े कार्यकर्ता। अच्छा, आज परिस्थिति में सावनमल जी को बुला दिया गया। गांव के थोड़े से भी 8वीं भी पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी दिलाने में आर के चतुर्वेदी का जो योगदान है बिल्कुल वो कभी नहीं बुलाया जा सकता। इसी तरह से चौधरी जी का क्या नाम था, चौधरी का चुन्नीलाल जी रत्नगर के चौधरी थे। चिमनाराम जी वो दोनों ही चिमनाराम जी थे रत्नगर के, एक थेलासर के पार टाड़ेंगे। अच्छा, तो विडम्बना की बात है कि थेलासर का इतिहास भी लोगों को मालूम नहीं है और थेलासर का उच्चारण थैले शब्द से होता है तो लोग कहते हैं कि थैला है। ये थैला नहीं है, थे है। या पुरानी आबादी थी या तो कोई आगजनी हो गई या कोई हमला हो गया, क्या कोई डाकुओं ने दाड़ेतियों ने लूट लिया और बाद में वो गहराबाद हो गया बिल्कुल। और कई 150-200 वर्ष आबाद पड़ा तो उन पुराने कच्ची मिट्टी के मकानों की थे जो थी वो थे पुराने ईंटे पुरानी मिट्टी, वो धीरे धीरे एक टीलों का आकार लेती रही उसको थे करने लगे। इस थे के कारण से आज भी बड़ी त्रासदी है, दुखद बात है कि वहाँ खुदाई की जानी चाहिए। थे मौजूद है बिल्कुल, पता लगाना चाहिए कि इसका कौन सी सभ्यता से इस क्षेत्र का जुड़ाव है। ठीक है, तो एक ऐतिहासिकता उसकी सिद्ध हो सकती है लेकिन बढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन रचनात्मक सकारात्मक काम करने वाली प्रवृत्तियों का पिछले वर्षों में भाव हो गया है। इसी तरह से चौधरी कुमार राम जी जो चूरू के प्रथम विधायक थे और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वो कांग्रेस के विधायक नहीं थे। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने किसी कारण बस उनको टिकट नहीं दी थी। अच्छा, तो वो निर्दलीय लड़े थे, सामने कोई खास कैंडिडेट नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। रत्नगर के मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करके हाई स्कूल बनाने में चौधरी कुमार राम का ही हाथ रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है रत्नगर के परिचय में संदर्भ में अतीत के बारे में वर्तमान के बारे में सामने आनी चाहिए। इसी तरह से बुधिया ब्रदर्स ने जो गर्ल्स स्कूल बनाई है ये बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, और इस काम को देख के औरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। हालांकि वैश्य वर्ग अब ज्यादातर रत्नगर छोड़ चुका है, 2-4 घर है जो छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं और नई पीढ़ी के जो लोग बंगाल है, आसाम है, बिहार है, शिलोंग है, मेघालय है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, रत्नगर के बहुत लोग हैं। जितने रत्नगर में आज लोग हैं, अगर रत्नगर में आज 20,000 की आबादी मान ले तो रत्नगर के 50,000 लोग प्रवास रहने लगे। सही है। इस बात की कोई निगरानी नहीं करता कि रत्नगर से 3 गुना बड़ा रत्नगर प्रवास पर रहे। प्रवास है, सही है। उन प्रवासियों को याद करें, उनको बुलाएं, उनका भी मन तो करता है लेकिन उनको पता ही नहीं कहाँ के हैं, कहाँ मकान है और मकान भी बिक गए, कब्जा हो गए, 100 तरह की बातें। इस तरह के काल के प्रवाह के साथ साथ बड़े परिवर्तनों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग आए। मैं तो ये प्रभु जी सोनी आपके लिए, खेमचंद जी के लिए भी
मुझे बड़ा गर्व और खुशी महसूस होती कि व्यापार और शिक्षा ने किया। माली राम जी जो सोनी है हाँ। वो उस वक्त के जब रत्नगर बसा था, मेरे दादाजी के टाइम गए थे हाँ। उनके लड़के वीरेंद्र राम जी वगैरह उस सब बहुत अच्छे, तो ये कुछ सोनियों के परिवार भी और बहुत सभ्य सुशील, उनका एक परिवार तो अब चूरू में बस गया हाँ। जो रिलीज में जयपुर और चूरू उनका अच्छा धंधा था, काशी राम जी का परिवार हाँ। सुना सुना फिर भी देखें तो चूरू की बजाय रत्नगर के स्वर्णकार समाज के लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिकता के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में आगे मिलेंगे, इतने चूरू के नहीं मिलेंगे। तुलना में जब मैं बैठता हूँ इनके साथ तो कहता हूँ इसी तरह से अनुसूचित जाति वर्ग में भी बहुत बढ़िया लोग कलाकार हो, अच्छे गाने वाले, नाचने वाले, गोगा जी के मेले में जो गोगा जी का नृत्य होता है, गोगा जी के मेले का जो नृत्य है उसकी भाषा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये शिक्षा जो है अधूरी है। शिक्षा है देह है कि क्या है बॉडी लैंग्वेज जिसको आज के अंग्रेजी हाँ। उसको देखें और हम जो इस्तेमाल करते हैं उपकरण, तो अब ये जब नाचते हैं गोगा जी के भगत तो उस निशान क्या है वो कोई नहीं सोचता। वो युद्ध का मंचन, अच्छा जो युद्ध मोहम्मद गजनबी के साथ गोगा जी ने किया उसका हूबहू मंचन, वही गोगा जी का झंडा, वही गोगा जी का घोड़ा और वो सांकड़ खाना, वो डमरू बजाना, वो ढोल बजाना, ये सब के युद्ध का जो मारू वाद्य है, ये लड़ाई का वाद्य है, उन सांकड़ों को और उनकी पत्तियों को समझे तो वो लड़ाई हो रही है, वो युद्ध का मंचन और गोगा जी की रात्रि जागरणों में जो गीत गाए जाते हैं वो क्या है कि गोगा जी को सवर्णों ने नहीं माना क्योंकि गजनवी से जो युद्ध हुआ था उसमें उस काल के राजपूत राजा जो रावल पिंडी पेशावर इधर जो ये है मुल्तान खबर और बलन का जगह वहां से गजनवी आया था, गजनवी वहां यहीं के तो है तो उसके बीच के राजाओं ने तो उसका साथ दिया था गजनवी। अच्छा तत्कालीन राजाओं ने राजाओं के साथ ब्राह्मण बने भी वैश्य समाज भी उसके साथ था तो ये जो गोगा जी कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मेघवाड़ों के साथ वाल्मीकियों के साथ आदि माड़ियों के कुमारों के साथ उनके रक्षक थे, उनके पोषक थे, उनके राजा थे तो गोगा जी की गरिमा को तो उन्होंने जिंदा रखा है। बिल्कुल, बाकी सवर्णों के घरों में गोगा जी उनके घर में तो गोगा मेढी सबके मिलेगी पिछड़ी समाज के, लेकिन गोगा जी चौहान राजा थे और ये वंश भी मूल में दूधवाखारा के पास गांव है घांगू, राजा घंगराय वागे हुए थे पुराने घंगराय हुए थे पांचवी शताब्दी में आज के 1600 साल पहले। अच्छा उस वक्त उनकी एक शाखा वहां गई थी और ये कहा जाता है कि करम सिंह नाम का एक राजपूत कायम खां हो गया, कायम खां मुसलमान और गोगा जी उस वंश से, गोगा जी करम सिंह के 17 पीढ़ी पहले हुए थे, पहले हुए 17 पीढ़ियों का इतिहास में वर्णन। तो एक पार्ट में तो हमने रत्नगर की संक्षेप में संकेत के रूप में रत्नगर से जो बात जुड़ती है उनके संदर्भ में कही, अब रत्नगर के भवन निर्माताओं की बात करना चाहूंगा। ठीक है, माली और चेजारा खासतौर से भवन के निर्माता थे और संदले के कारीगर थे। अच्छा, उनके हाथ के बनाए हुए ढोले के मकान और संदले के मकान समशीतोष्ण यानी एयर कंडीशन गर्मियों में ठंडे हो जाते हैं, सर्दियों में गर्म हो जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में, हालांकि पूरे अपने इस इलाके में झुंझुनू सीकर के इलाके में वो है, वो कला है, लेकिन रत्नगर जैसे छोटे कस्बे में
या 1937 में नगर पालिका की स्थापना बीकानेर स्टेट में हुई थी और लादू राम जिनवाल वगैरह पुराने चेयरमैन हुए थे और एक सहर जी होते थे रघुनंदन मोहल्ले में प्रभुदीत जी के पिताजी चिरंजीलाल जी सर वो भी चेयरमैन रहे। तो ये 1937-38-42 की बातें हैं। तो उस वक्त जो अहिल्या बनी थी वो जितनी मजबूत जितनी रोशनी जितनी हवा और फिर रत्नगर का जो नक्शा है वो जयपुर से बड़ी है। अच्छा। उसके गलियां जितनी चौड़ाई में है और चौरास्ते एक गली के बाद चौराहा और एक एक ब्लॉक के चारों तरफ चौराहे और पूरे गांव से पूर्व से लेके पश्चिम तक चौराहा और उत्तर से लेके दक्षिण तक चौराहा और पहले चौराहों के बीच में पेड़ होते थे नीम के शीश के। ये जो खूबी है स्थापत्य कला में पूरे विश्व में ये अध्ययन की से और पर्यटन की और रुचि रखने वालों को ध्यान देने की दिखान उन ढोले के मकानों को समझने की जरूरत है। सीमेंट नहीं होती थी और उस वक्त चूने से खोरिए से जो निकाला चूना बनाया जाता था उससे ढोले का लकड़ी के सारे ढोला खड़ा होता था और बरसों तक पक्का होके। तो उसमें ये दो समाज हमारे माली समाज और चेजारा समाज रत्नगर के और आज भी वो विदेशों में बॉम्बे में कलकत्ता में भवन निर्माण कला में अच्छे उनके साथ बहुत से वैलियों में चित्रकारी जो है वो भी अनूठी है। आज तक उस पर कुछ लोगों ने काम तो किया है लेकिन वो लाइट में नहीं आया। लाइट में लाने की जरूरत है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा संगीत के मामले में बहुत से लोग संगीत के में 3-4 आदमियों का नाम लेते हैं। प्रसोत्तम जी तो है। इसके अलावा एक छोक जी बाहट हुआ करते थे। अच्छा। जो तबला के मास्टर तबले के नहीं ढोलकी के ढोलकी के। अच्छा। कोई भी जागरण नहीं या कोई भी नाटक या कोई भी रामलीला का मंचन होता था तो वो एकमात्र छोक जी का ही नाम आता था। बुढ़ापे में आखिरी उम्र तक छोक जी को लोग याद करते थे बुलाते थे। आज देवयोग से उनके वंशज हैं या नहीं मैं तो नहीं जानता लेकिन इसके बाद कुछ जो है कठपुतली वाले या इस तरह के लोक कलाकार भी रत्नगर में है। वो चूरू में नहीं है। चूरू नहीं है ना, तो वो बहुरूपी भी है। हाँ, बहुरूपी है। भोपे हैं। भोपा समाज है। उस भोपा समाज के उससे तथाकथित अग्रणी समाज को विकसित समाज को आधुनिक समाज को इस तरह का वर्ग जो वंचित रह गया है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता उनकी कला को बचाने के लिए भविष्य के लिए वर्तमान के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे मैंने कुछ प्रोग्राम ये मेरे सुझाव पर ये कलेक्टर ने 15-20 साल पहले चोरोत्सव ऐसी किया था तो वो भोपा कलाकार रत्नगर से बुलाए गए थे। तो मैंने उनकी कला देखी उनसे बात भी की फिर कभी संपर्क नहीं हुआ लेकिन मुझे वो विशेष बात लगी और डेरू बजाने वाले भी वहाँ के नामी है। लेकिन ये जो संस्था बढ़ाते हैं कला को संस्कृति को साहित्य उनमें न तो कला है न साहित्य है न संस्कृति है न लेखन है। लेखन साहित्य लेखन जैसे हनुमान प्रसाद जी शास्त्री नंद कुमार उनका बेटा एयरफोर्स में बहुत बड़ी पोस्ट कैप्टन वो आज के जयपुर बस के एक बेटा जामनगर में हेड ऑफ दी फर्स्ट डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी में अरविंद वो मेरा सहपाठी था। तो वो भी कई अच्छे ऊँट रखते थे बहुत बढ़िया ऊँटों की शकिन थे ऊँटों की सजावट ऊँटों की कटाई ऊँटों की दौड़ रत्नगर का एक विशेष दर्जा विशेष स्थान था। आज तो कोई वो एक भी ऊँट नहीं है अब नहीं है लेकिन ऊँट और फिर कोई भी नेपाल सर स्टेशन पर बच्चे या सामान या स्त्रियां जाते थे ट्रेन पकड़ने शुरू तो कोई जाता ही नहीं था सामान शुरू का नाम भी नहीं था तहसील थी और 7 कर्मचारी थे तहसीलदार पटवारी सवार और एक दो चतुर्थ श्रेणी और 5-6 थाने में कर्मचारी थे
एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होता, अच्छा इतने ही था गवर्नमेंट माने, पटवारी भी होता था, वही सरकार माने बीकानेर स्टेट में इतनी बड़ी सरकार थी। लेकिन तो उस वक्त इक्के रखते थे इस अगुणे मोहल्ले में भी तीन चार गिंजी पुजारी खुद ही का रखते थे। अच्छा गिंजी पुजारी उनके भाई लक्ष्मी नारायण जी जो ओंकारेश्वर ओंकाराश्रम बड़ा है। मुझे याद है 1948 में जब वर्षा हुई श्रावण महीने में तो हमने भगवता सिद्ध के पास जाके और वो एक पतला सा पेड़ा था चांटे की तरह से सिरस नहीं है फ्रांस 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 की डालियां तोड़ तोड़ के और ला के ओंकाराश्रम के टीवे पर चारों तरफ रोपी और उल्टी रोपती है ऊपर लगाते हैं गोबर वो पेड़ बन जाता है। उस तरह से इसका विकास किया है लक्ष्मी नारायण जी स्कूल के बच्चों ने। आज तो ओंकारेश्वर आश्रम पर ओंकाराश्रम बहुत बड़ा हो गया बड़ा। लेकिन हम जानते हैं ना कितना मेहनत हुआ तो किसने क्या बनाई। इधर श्याम जी का मंदिर है चूरू के रास्ते में, ये श्याम जी के मंदिर के सामने आश्रम है, कई बन गए हैं कई बन गए। तो इनके पीछे रुचि रखने वाले उत्साही लोगों का योगदान है, उन योगदान को देखना चाहिए। इसी तरह से शमशान का भी पिछले वर्षों में सुधार हुआ उसका विकास हुआ। तो गांव में हर वर्ग में हर समाज में विकास करने की प्यार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत प्यार करते हैं गांव को, बहुत चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रोग्राम नहीं है, काम करने वाला नहीं, अगुवाई करने वाला नहीं। बिल्कुल इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि अगुवाई हो सके। और इतिहास में तो नामी जैसे राजेश जी भी वैद्य समाज रहा पंडित समाज में सैलों का परिवार बहुत जो बीकानेर जाके बस गए हैं ताराचंद जी का परिवार। इनका सबका अलग अलग विशेष उल्लेख हो कम से कम एक एक पंडित के बारे में परिचय हो 20-20 पेज का अलग, पंडितों पर अलग से किताब, खिलाड़ियों पर अलग से किताब, कलाकारों के प्रति अलग से छोटे छोटे और इसके साथ ही वैद्यों के ऊपर एक और विशिष्ट जिन्होंने कुएं बनवाए, स्कूल बनवाई, धर्मशाला बनवाए, मंदिर बनाए, इनका भी परिचय आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है जो बनी हुई चीजें उनकी मरम्मत संरक्षण और नियमित उनके उपयोग की प्रवृत्ति का शुरुआत की जानी चाहिए। रत्नगर का जो वीरनमान मंदिर है ये मंदिर रत्नगर बसने से पूर्व का है। अच्छा। मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये थेलासर जब का था तो थेलासर के लोगों ने यहाँ जंगल था और इस जंगल में कोई न कोई मूर्ति देखी और वहाँ वो मंदिर बना दिया बाद में रत्नगर लोगों ने। पर मेरे ख्याल से रत्नगर के लोगों ने नहीं बनाया ये स्थान, ये रामगढ़ के लोगों। लेकिन रामगढ़ में से कुछ वर्षों पूर्व तक तो इनकी चर्चा होती थी किसका बनाया हुआ। जैसे भगवता सिद्ध है ये रामगढ़ के लोगों रुजों का है और इसके पास ही सुनारों के मंदिर है, खेत है तो वो रामगढ़ फतेहपुर से जुड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। अब इन बातों को भी कहीं न कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ थोड़ी सी कोशिश करें।